बहुत सारे लोग ना पैरामीटर्स चेंज करना बॉदर नहीं करते, जो मशीन दे देती है उसी के ऊपर सब चल रहे होते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. देखो मशीन गोरों ने दी है ना हमें, हम तो गोरे नहीं हैं, वी आर एशियंस, हमारी चीज़ें, हमारी स्किन टाइप्स, हम लोग चेंज हैं. वो सेटिंग सेट हैं उन लोगों के हिसाब से, आप लोगों ने अपने पेशेंट के हिसाब से अपनी सेटिंग चेंज करनी होती है. एक चीज़ के ऊपर बार 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 हीट एक स्किन पे पड़ती रहेगी, क्या होगा, वहाँ पे पिगमेंटेशन नहीं आएगी, वहाँ पे बर्न नहीं होगा. सो गिव सम टाइम टू द टिश्यूज. दिस इज़ एक राउंड स्पॉट है, ये जो अगला स्पॉट होगा वो पिछले स्पॉट को 30% ओवरलैप करना चाहिए जस्ट. उसी के ऊपर आपने टिक 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 उसी जगह के ऊपर बार बार नहीं देना. ये आपको स्किन को रिस्पॉन्स टाइम देना है कि वो अपनी हीट को एमिट करें, और उसके बाद हम सेकेंड उसके ऊपर पास दें. यार प्रेगनेंसी देर इज़ नो प्रॉब्लम बाय बुक्स, देर इज़ नो प्रॉब्लम, येस लिटरेचर देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट द पीपल वी आर टारगेटिंग. एग्जाम्पल मुझे याद है कि मेरे सर हैं, पुरानी बात है, सर बता रहे थे, कोई लेडी आई, उन्होंने लेज़र करा लिया, उसने नहीं बताया कि वो प्रेगनेंट है, सर ने कर दिया. कुछ 6-7 महीने बाद वो वापस आई और कहती मैं आपको सू कर दूंगी, आपकी वजह से मेरा मिस कैरेज हो गया है. डॉक्टर ने कहा मैंने क्या कि मुझे, आप प्रेग्नेंट थी कब? तो उन्होंने कहा मैंने जब लेज़र कराया तो मैं प्रेग्नेंट थी. तो उन्होंने कहा आपने तो नहीं बताया, आपने पूछा? हालांकि मिस कैरेज का लेज़र से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन है किसी और वजह से भी उसका अगर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो गया ना वो एडमिट नहीं करेगी, वो कहेगी मैंने लेज़र कराया था, मेरा तो उसी से हुआ है. सो इसमें लिटरेचर में इट्स सेफ, क्योंकि देखो यार आप जो हीट है, जो डेप्थ है, वो आपकी स्किन को क्रॉस नहीं कर रही है, दैट इज़ टारगेटिंग योर हेयर बल्ब ओनली, हेयर बल्ब टारगेट कर रहे हैं. दूसरा, लेज़र को काम करने के लिए क्रोमोफोर चाहिए. मैं लेज़र हवा में कर दूंगी कुछ भी नहीं होगा, जहाँ पे मेलेनिन होगा लेज़र उसको पकड़ेगा, उसको टारगेट करेगा. कोई अगर आके मुझे बहुत कहे खुद से कि मैंने कराया था कुछ नहीं हो, तो मैं कहती हूँ हाँ करा लें, आपके ऊपर है, लेकिन इट्स ऑलवेज भी आपके ऊपर है, आप अगर कंफर्टेबल हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप करा लें. मैम जो माइक्रो नीडलिंग हम कर रहे होते हैं उसमें ना दो डिफरेंट अप्रोचेस थी, जो वो मतलब जो दुबई वाले थे वो लोग कहते हैं कि आप स्टैम्पिंग करें, डोंट ड्रैग ऑन द स्किन, यू आर कॉजिंग ट्रॉमा टू द स्किन, जो आप वर्टिकली जा रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं. लेकिन जब अभी पैड्स में डिस्कस हुआ था तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं स्टैम्पिंग नहीं, आप ड्रैग करें, उसमें ज़्यादा कॉलेजन प्रोड्यूस होगा, तो दैट इज़ टू डिफरेंट वो. लेकिन पेशेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अगर हर महीने सिटिंग है तो वो प्रॉपर सिटिंग ले रहे हैं, उस प्रोटोकॉल को वो करें. हमारे यहाँ पेशेंट आता है बड़ी मुसीबत से कराने के बाद, वो एक्सपेक्ट करता है कि पीआरपी का फायदा एक में हो जाए. जी बिल्कुल.